विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ अनीमिया एक बहुत गंभीर समस्या बनती जा रही है। वह चाहे छोटे बच्चों में हो, गर्भवती में हो, धात्री में हो या किशोरियों में हो, सभी में एनीमिया की कमी देखी जा रही है। और एनीमिया की कमी के कारण ही बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, थकान उनको हो रही है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है और अंदर से वो कमज़ोर महसूस करते हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने अनीमिया मुक्त कार्यक्रम शुरू किया है और उसके लिए हर घर में आयरन की प्रचुर मात्रा को पहुंचाने की जिम्मेदारी ली गई है। हर घर में आज देखने को मिल रहा है कि छोटे बच्चों को आयरन की सीरप दी जा रही है, जो कि 9 महीने से ऊपर के बच्चों को दी जा रही है और 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को आयरन की सीरप दी जा रही है, जिसमें कि 1 ml सप्ताह में 2 बार उनकी मात्रा देनी है और यह खुराक उन्हें अवश्य देनी चाहिए ही, क्योंकि यदि बच्चों को अनीमिया से मुक्त करना है तो उन्हें आयरन सीरप की 1 ml की खुराक सप्ताह में 2 दिन देना बहुत ही आवश्यक है। और यह अब सरकार के द्वारा घर घर तक पहुंच रही है, क्योंकि सरकार ने एक माध्यम बनाया है सहिया को और सहिया दीदी के द्वारा यह आयरन की सीरप जो है वह हर घर तक पहुँच रही है और एनीमिया मुक्ति में कारगर भी बन रही है। इसके बाद उन बच्चों के लिए जो अभी बढ़ रहे हैं किशोरावस्था में पहुंचने वाले हैं, उनके लिए भी गुलाबी रंग की गोली है आयरन की और वे भी उनको दी जा रही है। उसके बाद फिर 14 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए भी आयरन की टैबलेट उपलब्ध कराई जा रही है, जो कि ब्लू रंग की होती है। गर्भवती और धात्री के लिए जो आयरन की टैबलेट आती है वह लाल रंग की होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 4 तरह की आयरन की सीरप और गोली मिलाकर हर घर में पहुंचाई जा रही है और यह हर घर में पहुंचे यह सबकी एक जिम्मेदारी बन गई है, क्योंकि यदि अनीमिया मुक्त झारखंड बनाना है, अनीमिया मुक्त भारत बनाना है, तो इसके लिए हम सबको सहयोग देना पड़ेगा। और यदि आयरन की गोली सीरप दी जाती है तो उसे उचित मात्रा में लेना भी है और अपने शरीर को स्वस्थ भी रखना है। तो हमने आज जाना कि अनीमिया की जो दवा होती है वह 3 रंग की होती है, गुलाबी, ब्लू और लाल रंग की। यह तीनों जो है 5 साल से ऊपर के बच्चों को देनी है और 5 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए आयरन की सीरप दी जानी है। तो आप ध्यान रखें कि यह हर घर तक पहुँच रही है और इसकी उचित मात्रा में यह खुराक ली जा रही है, क्योंकि यदि सरकार के द्वारा कोई कार्यक्रम चलाया जाता है और आम आदमी की भागीदारी इसमें ना हो तो कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं बनाया जा सकता। इसलिए जिन लोगों तक यह दवा पहुंचाई जानी है उन्हें यह मिले यह नितांत आवश्यक है, क्योंकि यदि पहुंच उन तक होगी तभी किसी भी कार्यक्रम का लाभ उन्हें मिल सकेगा और इस प्रकार हम अनीमिया मुक्त झारखंड और अनीमिया मुक्त देश बना सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और इससे आपको आयरन टैबलेट और सिरप के बारे में जानकारी मिली होगी। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, यदि वीडियो पसंद आते हो तो लाइक करें। अब तक आपके घर में आयरन की दवा पहुँची है या नहीं पहुँची है इसे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।